हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हो गई है हमारी, और सबसे पहले आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और कैफ अभी नहा धो के हो चुके हैं, फ्रेश जा रहे हैं नमाज के लिए। और मैं उठते साथ ही पहले मैंने खा लिया मेरी बीपी की गोली, और अभी मैं भी नहा के नमाज पढ़ लूँगी। नमाज पढ़ के फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़े टाइम का गैप दे रही हूँ। अभी अभी मेरे को थोड़ा सही ऐसा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। माइट बी मेरे को गर्माश हो गई थी, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने कलिंगड़ खाई कल रात को, तो मेरे को थोड़ा सही लगा भी है ना। क्या मैंने सुबह उठते साथ ही यही बोली ना तुमको, ये आदमी का मुंह अलग बन रहा है, वहाँ ठंडा पाउडर लगा लिए। तो मैंने रात को ना कलिंगड़ खा के सोई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कलिंगड़ खा के, एकदम मन को शांति मिली, ठंडा ठंडा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मुझे गर्माश हो गई थी, शायद इस वजह से हो रहा था, बट पता नहीं। और रात भर से तो मैं गई नहीं हूँ, अपडेट देनी पड़ती है हर चीज़ की। और सुबह सुबह पता नहीं माशाल्लाह मेरी अलीना का क्यों ऐसा रोज हो गया है अभी, आजकल टार टूर उसका चालू है। उस दिन भी मैं पहले तो बात ही नहीं करती थी ज़्यादा, अभी माशाल्लाह से थोड़ी वो फ्री हो रही है। अभी थोड़ा और बड़ी हो जाएगी तो हम तो इंशाल्लाह वही सोचे कि उसको छोड़ देंगे, बट अभी वो काफ़ी छोटी है, और हम लोग को यहाँ से नहीं छोड़ना है, जैसे आप लोग को पहले ही पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चील बहुत सारी उड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डर है हमको। इसके लिए यहाँ से नहीं, कहीं ऐसे खुले जगह से हम छोड़ेंगे, गार्डन वार्डन में से इंशाल्लाह। और अभी तो सो नाश्ता कुछ बोले नहीं है कैफ ने, नहीं तो बोलेंगे तो फिर नाश्ते का भी देखेंगे। सुबह सुबह अम्मी चले गए टाउन कुछ सामान वामान लेने के लिए, पता नहीं क्या लेना था अम्मी को, कुछ स्टैंड वैंड लेना था बाथरूम्स के। और जैनब गई है नए घर पे, और मैंने फिर बोला कि ठीक है चलेगा, हो जाएगा तो कैफ नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह एक राउंड मार लेंगे वहाँ पर। तो और 17 तारीख को गाइज बता देती हूँ मैं, 17 तारीख को है डैडी की साल की फातिया, तो उसी के अभी थोड़ी बहुत तैयारियाँ शुरू है। मम्मी लगे पड़े हैं यहाँ पर, और मतलब थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं वो सब मम्मी ने, तो डैडी के लिए सबसे पहले एक साल की फातिया से पहले मम्मी ने डैडी के लिए नाम का, ये ऐसे बैकग्राउंड में बोला करो ना, मैं सब बोलती हूँ, हाँ ऐसे ऐसे रिपीट में बोला करो तो अच्छा लगता है। डैडी के नाम का उमरा भी पढ़ ली है, तो वो बहुत सबसे मेन चीज़ तो वही है कि अल्लाह के घर पर गए, उनके नाम से उमरा करे, वो चीज़ बहुत बड़ी है। और अभी जो साल की फातिया, वो साल की फातिया की तैयारियाँ करनी है, जो भी चुनबुन सामान लगेगा सब लगेगा, वो सब देखेंगे, अभी कैफ से बात करेंगे, फिर क्या है ये लोग ही करेंगे। अभी मेरे को तो नहीं पता है इतना सब कुछ कि क्या क्या लगता है, तो मम्मी कैफ को बताएंगे, तो कैफ उस हिसाब से फिर हमें देखेंगे, दोनों जन करेंगे। और खाने का भी बात हो रही थी कल कि क्या रखेंगे क्या नहीं, और जितना हो सकता है हम सोच रहे हैं कि हम मम्मी ने भी बोले जितना हो सकता है गरीबों को तस्कीन करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ वही होगी कि जितना हो सकता है उन लोगों को देंगे जो मजबूर है, हाथ पैर से मजबूर है, वो लोगों को देंगे खाना कि भाई वो लोग भरपेट खा सके, बस वही सोचा हुआ है। और बाकी चलो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, नहा वहा के नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़कर अभी मैं आ चुका हूँ नए वाले घर पे, और जाके देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, काम वगैरह तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट थोड़ा बहुत जो भी है देख लेते, एक बार चेक कर लेते, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता हूँ टाइम। हेलो गाइस वेलकम माय ब्लॉग, अभी हम लोग आ गए हैं, सो गाइस अभी अम्मी और रूबी दीदी समदानी गए थे चेंबू स्टेशन पे, थोड़ा सामान वगैरह लेकर आए, देखो यहाँ के लिए भाजी टमाटर कांदा ये वो सब, और आते आते मेदू वड़ा और चटनी भी लेके आ गए, तो अभी हम लोग नाश्ता करते बैठे, तो नाश्ता वाश्ता करते फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मिलते, बने रहिए वीडियो। सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ घर पे शिरिन को लेने के लिए, क्योंकि शिरिन को भी आना है यहाँ पे, फिर समदानी को लेके आएंगे थोड़ा राउंड वगैरह मारने, और शिरिन को भी कुछ सामान चाहिए था तो उसके लिए उसको आना है यहाँ पे। उससे पहले आए एक काम है, वो छोटा सा घर के पास वो काम पटा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते, बने रहिए वीडियो। सो गाइस काफ़ी देर से मैं घर पर थी, और इतना गंदा कांच है,
और अभी जा रही हूँ अब्बा के यहाँ पर, कुछ काम है मुझे अब्बा से, इसीलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। ये आदमी को बालवाड़ी भेज रहा है, अब देखो आगे अब्बा चल रहे हैं, हम लोग भी उतर रहे हैं। हाँ नीचे उतरे जा रहे, अभी थोड़ा काम था तो वही काम करें, अब्बा से बात करूँ। अभी मेरे को जा रहे कैफ लेके थोड़ा सा, कचौरा शरीर में बोले दुआ करने के लिए, पेट से दुआ करने के लिए। तो गाइस पर्दे वाला आया था तो यहाँ पर आना पड़ा, और अभी अपना क्या नाम है, अभी केफ थोड़ा छिड़ चुके क्योंकि कुछ तो हो गया है यहाँ पर सीन, तो इसीलिए थोड़ा किट किट करे। फोन ना निकल गया हो, फोन लगाओ ना, अब वो थोड़ी रिटर्न आएगा। अरे लगाए, ओके देखो ना। तो अभी ये देखो यहाँ पर ये फ्रिज में सब सामान आ चुका है, थोड़ा बहुत जो यहाँ पर मैंडेटरी लगेगी, देखो अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रूट जूस, पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स सब है, और अम्मी के एक इंसुलिन एनर्जल वो आ चुकी है। फ्रीज़र में क्या है देखो, फ्रीज़र में लोगों ने कुछ नहीं रखे, शेंग रखे, बताओ फ्रीज़र में शेंग रखे, कितने होशियार है। शेंग काजू और शेंग है फ्रीज़र में, देखो ऊपर बुने में शेंग चटनी वटनी के लिए। ये डाला, ये जम भी गई आइस, आइस जम गई ना, तो यहाँ पर अभी सैनब का भी कॉल आ रहा है गाइस, रुको। सो गाइस मैं बहुत छोटी थी तब मैं आती थी ये गार्डन में, इसको हमारे यहाँ का डायमंड गार्डन बोलते हैं, काफ़ी फेमस है ये प्लेन। पहले ऐसी वाली नहीं थी, रॉकेट नहीं थी, दूसरी एक वाइट कलर की प्लेन थी बहुत बड़ी सी, तो इसमें हम बहुत जिद करते थे बचपन में बैठने की, प्लेन में बैठना है, प्लेन में बैठना है, बट अभी ये रॉकेट हो गई और ये बहुत बड़ा गार्डन है, और अभी तो काफ़ी बना दिए, पहले तो ऐसा बना हुआ भी नहीं था, मतलब इतना चलने का, इतना अच्छा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, यहाँ पर वॉक वॉक करने के लिए भी यहाँ पर लोग आने लग गए अभी। तो जैनब समदानी को लेके इधर ही आई हुई है, तो मैं भी अभी जा रही हूँ अंदर, उसे मेरे को सीधा बोली थी ना, तो मैं राइट लेफ्ट की जा रही हूँ, और पता नहीं सीधा कहाँ बोली है, मुझे तो सीधा लगता है इस तरफ जो झूला, पहले तो स्टार्टिंग में ही झूले दिख जाते थे, और जब भी ईद रहे तो ईद में तो पूरे बच्चे हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर ऑटो में घुस घुस के ठूस ठूस के हम लोग आते थे इधर गार्डन में। अभी बस देख रही हूँ मैं कहाँ है जैनब और समदानी, तो उन लोग को ढूंढ के फिर आप लोग सुनते कैब बाहर गाड़ी पार्किंग में लगा रहे बाइक, और यहाँ पर मेरी थोड़ा मेरे को इतना ही चलने में सांस फूल गई। सो गाइस हमको समदानी नहीं दिख रहा, जैनब तो यहाँ बैठी हुई मिल गई, कैब सीटी मार रहे, शायद इसकी सीटी सुन के आ जाए, इतने बच्चे, इतने बच्चों में कहाँ रहेगा हमारा बच्चा, इधर ही गिर रहेगा। अरे पकड़ो ना हाथ में बॉटल है मेरे पानी की, शूट कर रही हूँ मैं, जेब में डालू ना तुम्हारे, ढूंढ रहे हम लोग उसको, इतने बच्चों में हमारा बच्चा कहाँ है, सीटी तो मार रहे पर हमारा बच्चा नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया हमारा बच्चा, कहाँ गया हमारा बच्चा, क्या रहा तेरा बच्चा आ ही नहीं रहा है, बाप रे सब पागलों के बच्चे लोग, सब बच्चे पागल हो चुके, एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे, आ इतनी जोर से सीटी क्यों मार, आवाज आई, आवाज आई कैसे दोस्त, आवाज आई मेरे, एक करके आवाज आई ऐसा लगा मुझे भी, तो पता नहीं कहा, चलो शायद जैनब के यहाँ बैठेंगे तो वहीं आएगा बराबर, मैं आगे बढ़ती थी शायद इसको दिखा हो, मैं कहा आवाज दे रहे, देखो क्या बोल रहा है, सीटी मारे मेरे को मालूम है ना, सुनेगा आया ना आगे, ए ए बाप रे पागल हो गया, इसको बहुत कम मिलता है ऐसे सब गार्डन वार्डन में खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। चलो गाइज हम लोग सब साथ में वहाँ आगे बैठे हुए थे, वहाँ से उठा के लेके आया, बोलता कि मेरे को देख मैं कैसे झूला झूल रहा हूँ, और बोलता बराबर ये गेट है ना यहाँ पर, यहीं खड़े रह के मेरे को देख लिया,
गाइस इसको मैं बोलूं यहाँ खड़ो, अरे एक सेकंड खड़ो ना प्लीज, तुमको मेरी कसम अभी इसको पोज कर खड़ा करिए, जैनब वहीं बैठी है। ओ माय गॉड एंजल प्रिया का भाई, चल तभी मेरे को ना यहाँ पर रोल खाने जाना, मेरे को कब से जाना है, मतलब लाइक उठना नहीं हो रहा है मेरे को आज, पता नहीं खिलाऊंगा शरीर को क्योंकि बाहर का है वो नहीं जमेगा उसको, मेरा मन नहीं है, मतलब है भी खाने का फिर मन ये भी हो रहा है नहीं भी, मैं काफ़ी देर तक बैठी रहा, मेरे को पता है कि 8 बज गए, 6 बजे वो आता है, 8 बज गए तो पूरा तो ख़त्म ही हो गया रहेगा उनके यहाँ पर, तो मतलब ही नहीं है जाके, फिर भी ऐसे एक राउंड मार लेंगे फिर घर पर निकल जाएंगे। हाँ खा लेना। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रोल वाले भाई के वहाँ, और मैंने तो मेरे लिए नहीं लिया कुछ भी, बाकी जैनब दीदी के लिए पार्सल ले रहे हैं अभी हम लोग, तो बोले डायरेक्टली घर पे आके उनको दे देंगे और खा लेंगे। अगर शिरिन देख रहे, शिरिन क्या ले रही है तेरे लिए? एक चिकन टिक्का रोल ले रही है वो। रोल में क्या क्या जाता है पता है गाइस? चिकन टिक्का हो गया, तंदूरी रोटी पे रोल बनाते आ जाएंगे, हाँ बहुत सॉफ्ट रहता है, और जो भी चेंबूर में उन्होंने तो यहाँ का टेस्ट किया ही होगा, हाँ और अगर नहीं किया तो प्लीज़ आके टेस्ट कर। यहाँ पर पीछे जो स्कूल है वहाँ पर सुपर सुपर ना शिरिन स्कूल का OLPS और सेन एंथनीज है यहाँ पर। चलो अभी पार्सल वगैरह लेके निकलते फिर घर पहुँच के आपसे। हम लोग जा रहे थे और मैंने बोली लगता है ये लोग यही कहीं रहेंगे तो देखे तो पानी पूरी खाते खड़ा है गार्डन के एग्जैक्टली बाहर। तो गाइस हमारे यहाँ पर हमारे वो भाई ने लिट्टी चोखा चालू करे, और देखो पहले भी किए थे तो फिर पहले बंद कर दिए थे फिर वापस चालू करे, और देखो किसी को भी लिट्टी चोखा खाना हो हमारे इधर आ जा रहा, बहुत सफाई से बनाते और इतना अच्छा हाइजीन देख सकते हैं, कोयले के ऊपर करके अभी हम लोग भी एक प्लेट पार्सल ले रहे हैं यहाँ से और खाएंगे लिट्टी चोखा, हमारे की बिल्डिंग के सामने आपको मिल जाएगा लिट्टी चोखा। ऐसा तो यहाँ खड़े रहते हो भाई, ये आटे को गोल गोल करके रखते हैं क्या? नहीं उसके अंदर फीलिंग भी होती है। देखो गाइस कितनी होशियार लड़की है, चाबी भारी बता के देखो बताओ। सो गाइस शिरिन तो है जैनब दीदी के वहाँ, अभी मैं आया हूँ नए वाले घर पे, कुछ सामान छूट गया था वो लेने आया हूँ, और अभी उतरते उतरते मैं कुछ शूट करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। आज सब फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या है आज, अच्छा पूर्णिमा है कुछ तो है, बट मैं नीचे उतरूँगा तो जो बच्चे लोग हैं जो फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं वो लोग मेरे को पूछने लगे भाई आज व्लॉग नहीं बना रहे हो आप, तो मैं आपको शूट करके बताऊँगा नीचे उतर। ये देखो गाइस सारे बच्चे यहाँ मिलके बिल्डिंग में फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं, और मैंने अभी अभिषेक को पूछा आज है क्या, क्या है अभिषेक आज? पूर्णिमा है इसीलिए सब फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं, और ये वो येलो टी शर्ट वाला बच्चा ये पूछ रहा था भाई आपने व्लॉग बनाया नहीं, और वो बच्चे की शायद मम्मी बाहर रॉकेट जला रहे, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड। हाँ ले रहो ले रहो। अच्छा ये देखो गाइस अभी हो गया है काम, निकल रहा हूँ घर, घर पहुँच के आप सुनो। सो गाइस जैनब गई थी ऊपर जाके लेके आई, अम्मी ने बनाई थी किस जबान का सालन, और वो अभी कैफ खा रहे, मैं तो नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए कैफ जाके लेके आए हैं कलिंगर और एक और चीज़ लिखे, क्या लाए? तोता परी, तोता परी आम, तोता परी अंडू बकरा। अभी एक काटेंगे समदानी और मैं खाएंगे। हाँ समदानी तू भी खाएगा, चिड़ा हुआ है बहुत। सो गाइस रात के बज रहे हैं 10:30, और अभी ये अंदर के जो वो थे टायर के, उस दिन जो मैंने बताया था कि इसके बीच सेंटर का जो पार्ट है वो गया था कलर होने के लिए, तो अभी कलर होके आया है, वो भाई ने ला के दिया है मेरे को, बट मैं ट्राई कर रहा था लगाने की बट मुझसे नहीं लगा बराबर, तो मैंने बोला भाई जाने तो रिस्क नहीं ले सकते ये चीज़ में वरना टूट जाएगा है ना,
और ये खाना खा कर आया तो इतनी नींद में ये कि जिसकी कोई हद नहीं। चल अभी देखते हैं, कल कोई मैकेनिक को ही बोल के लगवा दूंगा क्योंकि मेरे को उसका लॉक बराबर बिठाने आ रहा नहीं है, तो टूट जाएगा। चलो सो गाइस, जैसे कि आपने देखा आज के दिन में ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। आज के दिन मैं थोड़ा रेस्ट करी क्योंकि आपको तो पता है सदाबहार बीमार बीमार नहीं थी, पता नहीं मेरे को एक ना अजीब सा पेन उठा हुआ है। और मैं मतलब प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने बहुत सारे पेन्स मतलब लाइक बेयर किए हैं, बट ये जो है ना ये बहुत अजीब सा पेन उठा हुआ है मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है अचानक से। और मैं कल तक बहुत अच्छी थी। फिर अचानक से सुबह मुझे ये पेन चालू हुआ। वो अब वो पेन जो चालू, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और वो बैक टू नॉर्मल हो ही नहीं रहा है। मुझे चलने में इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे कमर से लेके मेरे बोलते ना पूरा पैर तक, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ जकड़ लिया है मुझे। मेरे पैर में जैसे ही आगे एक बढ़ा रही हूँ ना, इतना दर्द दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है। बहुत बहुत कंट्रोल किया मैंने आज, फिर भी मैं इतना थोड़ा बहुत वॉक करी कि ये सोच के कि शायद वो नॉर्मल होगा, बट वो नॉर्मल नहीं हुआ। मतलब बस ये है कि कल सुबह तक वो कैसे भी करके नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हम लोग कल निकलेंगे बांद्रा के, मतलब मेरे ससुराल के लिए निकलेंगे। और ऐसा है कि वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत तो उठना उठना रहेगा। अभी यहाँ पर तो कैसा है ना कि अभी कैफे वहाँ बिजी अगर हो गए तो मतलब मेरे को उठाते हैं यहाँ पर कैफे, अब वहाँ बिजी हो गए तो वहाँ पर मेरे को कौन उठाएगा, मुझे ऐसा हो रहा है। तो बहुत मगजमारी हो जाएगी क्योंकि मेरा वॉशरूम आना जाना आके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पर। तो चलो घर पे तो कैसा है ना, पर्सनली हम लोग दो ही जन रहते हैं, तो यहाँ पर तो कैफ तो मेरी पूरी मदद करते हैं मुझे बेड से उतरने की, वॉशरूम तक लेके जाने की, हर चीज़ की मदद करते हैं। बट वहाँ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि कैफ तो काम में अगर बिजी हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ये दुआ करती हूँ कि सुबह तक कैसे भी करके ठीक हो जाए। और कुछ भी नहीं गाइस, बस यही खत्म होता आज का हमारा दिन। आई होप आप लोग को ये छोटी मोटी वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। और तुमने बताया अम्मी को गाउन पसंद आया? नहीं, मैं शूट कहा कि अम्मी का वीडियो बना रहा था। अच्छा, ना और अम्मी को गाउन बहुत पसंद है, शायद अम्मी ने रील्स बनाए ना, बनाए हैं, कल शायद अपलोड करेंगे। जैनब भी बोल रही थी अम्मी को गाउन बहुत अच्छा लगा, अम्मी बोल रहे थे, ऊपर गई थी वो खाना लेने के लिए तभी बोल रहे थे, तो अच्छी बात है। अम्मी को तो मेरे को एक नज़र में पाया तो मैंने वैसी बोली अम्मी को पसंद आ जाएगा। तो बस गाइस, दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहें।